नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी सांसद रमेश बिदोड़ी को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि बसपा सांसद दानिश अली ने आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल मामले में रमेश बिदोड़ी के खिलाफ कार्रवाई में विलम्ब को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिदोड़ी के पीछे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है। विवादित टिप्पणी को लेकर संभवतः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति हासिल थी। दानिश अली ने यह दावा किया है कि उनके खिलाफ सबूत ढूंढने का प्रयास हो रहा है ताकि एक विमर्श गढ़ा जा सके। दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे रमेश बिदोड़ी ने सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे कुछ दिन पहले उनकी टिप्पणी को लेकर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस बारे में पूछे जाने पर दानिश अली ने कहा, यदि भाजपा कार्रवाई करने को लेकर गंभीर है तो उनको बुलाकर क्यों पूछा जा रहा है। दानिश अली ने कहा, हर चीज तो रिकॉर्ड पर है, क्या कोई नया विमर्श करने की साजिश हो रही है? अब क्या सबूत चाहिए? बसपा सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की संस्तुति धी और बिदोड़ी ऐसा बोलिए जिस पर मैं कुछ प्रतिक्रिया दूंगा ताकि आप मेरे और मेरे समुदाय के बारे में अलग विमर्श चला सकें। दानिश ने दावा किया है कि बिदोड़ी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कार्रवाई में विलंब हो रहा है। ढूंढा जा रहा है कि दानिश अली के खिलाफ शायद कोई सबूत मिल जाए। मेरी चुनौती है कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाइए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना आपकी मानसिकता हो सकती है, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। इसी के साथ दानिश अली ने आगे कहा, देश की जनता ने भाजपा का आचरण देख लिया है। बसपा सांसद ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सदस्य दानिश अली ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भी आड़े हाथों लिया। दरअसल आपको बता दें, दानिश अली ने कटाक्ष करते हुए कहा, बृजभूषण शरण सिंह वही हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। अब वे हमें सिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हमेशा वाजिब सवालों को लेकर सदन में खड़े होते हैं और सदन में बार बार टोका टाकी करने का आरोप लगाया। अली ने कहा, भाजपा सांसद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि रमेश बिदोड़ी का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने दानिश अली पर कई गंभीर आरोप लगाए। बृजभूषण ने कहा कि दानिश अली ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे में उनके खिलाफ भी जांच की मांग बृजभूषण द्वारा की गई और अब इसी बयान पर दानिश अली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।